जम्मू कश्मीर के वन एवं पर्यावरण मंत्री चौधरी लाल नूरपुर में नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर और ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि इस प्रदेश की सरकार से जनता त्रस्त है और वे इससे निजात पाना चाहते हैं, जिसका बदला इन विधानसभा चुनावों में प्रदेश की जनता देगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने चारों की चारों सीटें भाजपा की चोली में डाली थी, उसी तरह इन विधानसभा चुनावों में भी जनता इस सरकार को चलता कर भाजपा की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस समय केंद्र में भाजपा की सरकार है और जब प्रदेश में भी भाजपा सत्तासीन होगी तो प्रदेश के विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें जो चार विधानसभाओं की जिम्मेदारी सौंपी है वो इन चारों विधानसभा सीटों में भाजपा को जिताकर ही दम लेंगे। हमें इस खुशी इस बात की कि पार्टी ने जो हमें आदेश दिया है, नूरपुर जो हमारा जिला है, इसकी जो चारों सीट्स हैं, इसके लिए हमें नियुक्त किया गया कि इसमें सेवा भाव करें ताकि हमसे जो मदद हो पाए वो करें। उसके लिए आज हमने पहली मीटिंग शुरू की है और इस मीटिंग में हमारे इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, लेकिन हमारे सारे जो मेन लोग हैं, कोर लोग हैं, जो हमारी पार्टी के खास इम्पॉर्टेंट लोग इस जिले से, वो सारे लोग इसमें शामिल थे और ब्लॉक से शामिल थे और जो हमारे अलग अलग मोर्चे हैं उनकी तरफ से लोग आए थे और जो प्रत्याशी लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, लड़े हुए हैं या तैयारियों में हैं, सबके लोग यहाँ हम बैठे थे। अब तो वोट किसके सिर पर बैठेगा वो कल परसों पाया जाएगा, लेकिन हमारा असली मकसद है कि हमारी यहाँ सरकार बनाई है, जिसके लिए हम आए। और आपको एक दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी ये चारों सीट्स आएंगी भी और साथ में सरकार भी हम हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जितनी गलत किस्म की लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, अब उसका बदला लेने का लोगों का समय आ गया है। अब लोग चुकेंगे नहीं, लोगों ने मन बनाया हुआ है इस बार कि कम से कम मोदी साहब की क्यादत में यहाँ एक बार परचम जो है बीजेपी का उठेगा और यहाँ पे शिमला में हमारी सरकार बनके, चीफ मिनिस्टर बनके लोगों को इंसाफ देने के लिए यह मनाया जाएगा। उसका हमने एक आज यहाँ से शुरुआत की है, ये हमारा लास्ट और पहला कोना भी कहा जा सकता है, गेट भी कहा जा सकता है, गेटवे ऑफ हिमाचल भी कहा जा सकता है और साथ में उधर दूसरी तरफ से आखिरी कोना भी कहा जा सकता है। और हमेशा आप जानते हैं कि ये एरिया हमेशा हर पार्टी में डोमिनेंट एरिया रहा है, इसकी अपनी पहचान रही है। हमें खुशी है कि सबसे ज़्यादा पिछली दफ़ा भी जब ये इलेक्शन था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो सारी सीट्स तो हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा की सारी सीट्स यहाँ पे हमारा प्रत्याशी जीते थे। और अब हमारी सारी सीट द्वारा जीत के सारे एमएलए बन के कबीना में शामिल होंगे और ये कबीना हमारी सजेगी और इस स्टेट को उसका बेहतर बनेगा। गौरतलब है कि चौधरी लाल सिंह जम्मू और कश्मीर के तेज तरार नेता हैं। उनके इसी कार्यकुशलता के चलते जिला नूरपुर की चुनावी कमान उन्हें सौंपी गई है। ऐसे में वे अपने मिशन में कहां तक कामयाब होते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।